औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू द लास्ट टेक्निकल क्लास ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स। लेट्स नॉट वेस्ट फर्दर टाइम एंड कंटिन्यू विद द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ टुडेज लास्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत एक्साइटेड होंगे आज की क्लास के लिए, क्योंकि आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें आज इंशाल्लाह कवर करनी है। बेसिकली आज जो क्लास है वो इसके लिए है कि आप लोगों को ये गाइड किया जाए कि आफ्टर दिस कोर्स आप किस तरह आगे परसू कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को थोड़ा काम शेयर किया था अपना, आज मैं थोड़ा सा और काम शेयर करूँगा। ठीक है, और हम ये डिस्कस करेंगे किस तरह अपनी डिज़ाइनिंग को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं विजिटिंग कार्ड की। अब आप लोगों ने जो डिज़ाइनिंग की है विजिटिंग कार्ड्स की, बेसिकली आप लोगों ने फ्रंट डिज़ाइन किया होगा, ऐसा ही है? मतलब अगर हम विजिटिंग कार्ड की बात करें तो आप लोगों ने डिज़ाइन किया होगा सिंगल फ्रंट साइड। मॉकअप क्या होता है? बेसिकली इसको प्रेजेंट करने को कहते हैं। हम कोई भी काम क्लाइंट को प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, तो कोशिश ये करते हैं कि उसको अच्छा प्रेजेंट करें। ठीक है, इसी तरह अगर एग्जांपल के तौर पे हम कहीं जाते हैं बाहर, तो हम अपने आप को कितना अच्छा प्रेजेंट करते हैं सारी चीज़ें, तो ऐसे ही उठ के तो नहीं जाते। तो इसी तरह अपनी डिज़ाइनिंग को करने के बाद किसी को चेक करवाते हैं तो उसको ये फील करवाना होता है कि आपका कार्ड प्रिंट के बाद इतना अच्छा लगेगा या कहीं रखा जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये आपके सामने बहुत सारे मॉकअप्स आ रहे हैं, सबको दिख रहे हैं? दिख रहे हैं, जैसे कि ये है और जैसे कि ये है। ठीक है, अब मैं तो अभी इमेज सेव कर रहा हूँ और हम एक काम करते हैं, एक मॉकअप डाउनलोड भी कर लेते हैं। मॉकअप बनाया भी जाता है और अमूमन अभी के लिए मैं ये कहूँगा मॉकअप डाउनलोड करके उसकी फाइल्स को देखें कि मॉकअप कैसे बना हुआ है। मॉकअप जो भी बनता है वो बनता है आपकी स्मार्ट लेयर से। ठीक है, स्मार्ट लेयर क्या होती है हमने देखा था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विजिटिंग कार्ड। ठीक है, हम ज़रा एक फाइल डाउनलोड भी कर लेते हैं ताकि मैं आपको चेक करवा सकूं। ठीक है, ये कार्ड का फ्रंट है, कार्ड का बैक है, मैं सारी लेयर हाइड कर रहा हूँ। बिजनेस कार्ड मॉकअप, जैसे 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 ये वाली इमेज है, ऐसी कोई दो एंगल की इमेज डाल दो ताकि आप लोगों को समझ आए। ठीक है, इसको मैंने किया सेव, कॉपी करते हैं, फोटोशॉप में लाते हैं, न्यू फाइल और पेस्ट। ठीक है, अब सब ने देखना है, अब आप लोग बताएं मैं क्या करूं। सबसे पहले पहला काम क्या करूंगा, क्या करूंगा पहला काम आप लोग बताएं चलें, क्या बनाऊंगा सबसे पहले? कार्ड का शेप बनाएंगे, क्या करेंगे? अगर आपने बिजनेस कार्ड इलस्ट्रेटर पे बनाया तो पहले आप क्या बनाएंगे? उसकी इमेज। ठीक है, इमेज एक्सपोर्ट करेंगे। आज मैं पीडीएफ बनाना भी सिखाऊंगा और इमेज बनाना भी। ठीक है, दोबारा बता दूंगा, सबसे पहले लेंगे न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एन से भी ले सकते हो और यहाँ से भी ले सकते हो। देन बनाएंगे एक शेप नॉर्मल लेयर और क्या कर देंगे इसमें फिल। ठीक है, अब राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे? कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, देन कंट्रोल टी, राइट क्लिक, डिस्टॉर्ट। अब हर पॉइंट को इसके कॉर्नर से मिला देंगे। ठीक है,
एक काम ये हो गया। अब मुझे पीछे वाले शेप पे दूसरा कुछ करना है, एक और न्यू लेयर लूँगा, ठीक है, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी, डिस्टॉर्ट, एक पॉइंट मिलाया, दो पॉइंट मिलाए, तीन पॉइंट मिलाए और फाइनली चौथा पॉइंट, ये कहाँ जाएगा, इसके पीछे, ठीक है। अगला काम क्या करना है, इस पर डबल क्लिक, फॉर एग्जांपल ये मेरे कार्ड का फ्रंट है, कंट्रोल एस, यहाँ पे आ गया मेरा कार्ड। अब पीछे वाले पे जाएंगे डबल क्लिक, फॉर एग्जांपल मेरी लेयर में सिर्फ लोगो है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे न्यू लेयर बनाई, और इससे हम सिर्फ लोगो निकाल लेते हैं, कंट्रोल जे, ये वाला कलर पिक करते हैं, हमारा बैकग्राउंड है, हम इसमें कर देते हैं यही कलर, और इसको सेंटर करके कंट्रोल एस। तो अब देखो मैंने फ्रंट भी लगा दिया और बैक भी लगा दिया, इजी है, अब तक देखा था, देखो आज हमने यूज़ भी कर लिया, सही है। तो अगर आपको ऐसा काम करना है कि फाइल नहीं डाउनलोड हो रही, तो आप खुद से भी इसके ऊपर शेप बना के कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट से ऐसे कर सकते हो, है ना मज़े का, इसलिए मैंने आखिरी क्लास के लिए रखा था। अब तो आप लोग फोटोशॉप के एक्सपर्ट हो गए यार। ऐसे मैंने शेप पे कलर चेंज कर दिया, यहाँ से ये कलर हटाया, और जो ब्लैक था उसको हम कर देते हैं ग्रे, कंट्रोल एस, बैकग्राउंड हमारा रेड हो गया। अब बना बनाया मोकअप डाउनलोड करके उस पर कैसे करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। अगर किसी के ग्राफिक्स ब्लैक एंड वाइट हो गए तो आप इमेज में जाओगे, मोड में जाओगे, और यहाँ से क्या कर दोगे, आपका फॉर एग्जांपल ग्रे स्केल हो गया है, ठीक है, ये तो आप इमेज में जाओगे, मोड में जाओगे, और इसको कर दोगे आरजीबी, दोबारा आ गया, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, उसको आरजीबी में इमेज से मोड से चेंज करना है, इमेज मोड, ये सारे मोड्स हैं हमारे पास। यार मैंने सोचा था प्रस्पेक्टिव ग्रिड टूल पढ़ाने का, लेकिन वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने तो कभी यूज़ नहीं करा लिटरली डिज़ाइनिंग के वक्त। आपको 3D पढ़ाया था, 3D की प्रैक्टिस करें, 3D बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है। मैंने प्रस्पेक्टिव ग्रिड आज सोचा, अगर टाइम होगा तो आखिर में पढ़ा दूँगा, ठीक है। अब ज़रा चलते हैं आगे, कि बनी बनाई फाइल डाउनलोड कर ली तो हम उस पर कैसे लगाएंगे अपना डिज़ायर्ड कार्ड, ठीक है। जैसे ये हमने भी डाउनलोड की है फाइल, ऐसा ही है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक कार्ड ऐसे रखा हुआ है, एक कार्ड ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। हम जिस मेथड से कर रहे थे उस मेथड में एक मसला है, यहाँ पे शेडोज़ आ रहे हैं जो क्लाइंट ने, जिसने भी बनाया है ये कंट्रीब्यूटर ने, तो अगर हम चाह रहे हैं कि ये सेम फील आए बिल्कुल, तो देखो उसने लेयर्स में सब बताया हुआ है कौन सी चीज़ कहाँ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कार्ड है, इस पर हम डबल क्लिक करते हैं, कहाँ पर आ गए एम, तो एम कहाँ पे लिखा हुआ है, इस वाली साइड पे, तो मतलब हमारे पास क्या है, इस साइड पे कलर है। तो अब मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये नहीं चाहिए, मैं इसको हाइड कर देता हूँ, मुझे चाहिए अपना यहाँ पे कार्ड, या फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे लोगो चाहिए, मैं पूरा कार्ड क्यों रखूँ, हम कोई भी लोगो ले आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये कॉपी किया, ये पेस्ट किया, ठीक है, इसको सेंटर अलाइन करा, ठीक है। मैंने कलर इन्वर्स कैसे किया, कंट्रोल आई से, ठीक है, और हम करते हैं कंट्रोल एस। अब देखो मेरा जो वेल थी वो यहाँ पे आ गई, अब कार्ड का जो कलर है वो आपके पास यहाँ पे आ रहा है, तो अगर आपको ब्लैक कलर का चाहिए कार्ड तो आप यहाँ से चेंज कर लो, डन। अब बैक दूसरे वाले कार्ड पे आते हैं, मैंने डबल क्लिक करा,
हमारे पास कार्ड का फ्रंट तो है ना ये वाला, मैंने ड्रैग करा। आपको सिर्फ अपना स्मार्ट ऑब्जेक्ट याद रखना है, ठीक है। शिफ्ट के साथ बड़ा किया और देन इसको स्ट्रेच कर दिया, कंट्रोल एस। अब वो देखो हमारा जो कार्ड है वो पीछे भी आ गया। डन है, ये है बनी बनाई फाइल में कैसे अप्लाई करते हैं। इसमें आपको लोगों का मॉकअप भी मिल जाएगा, विजिटिंग कार्ड का भी मिल जाएगा, फ्लायर का भी मिल जाएगा, ब्रोशर का भी मिल जाएगा और एक्स वाई जी हर चीज़ का मॉकअप आपको मिल जाएगा, सारी स्टेशनरी का मिल जाएगा, पेन से लेकर बिल बोर्ड तक, ठीक है। अच्छा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है मैं यहाँ से निकालता हूँ ब्राउन बॉक्स। सबने ये बॉक्स देखे ना, डाउनलोड हो गया। हमने देखो डाउनलोड करके इसको सिंपल ओपन कर लिया, फाइल आ गई सबके पास। अब देखो कितना इजी करा हुआ है, फाइल में लिखा हुआ है इंसर्ट कार्ड्स हेयर, मतलब आपको फ्रंट साइड ये दिख रही है या आपकी बैक साइड दिख रही है, ठीक है। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे या आपका आ गया योर लोगो, तो आप दोबारा अपना कार्ड का डिज़ाइन ड्रैग करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ये तो आई थिंक पूरा एक्यूरेट आएगा, तकरीबन एक्यूरेट आया। ये करने के बाद क्या करना है, सिर्फ कंट्रोल एस। आ गया हमारा कार्ड इस साइड पे और बैक पे जाते हैं, अपनी इमेज दोबारा लेकर आते हैं। इसको अलाइन करते हैं लेफ्ट और टॉप, देन कंट्रोल टी से सिर्फ इधर से शिफ्ट दबा के बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल एस। तो हमारा ये कार्ड बैक पे भी लग गया और फ्रंट पे भी लग गया। ये कैसे करना होता है, किसी भी फाइल में जो डाउनलोड करोगे आप उससे, इससे क्या फ़ायदा है, आपके शेडोज़ रहेंगे, दिख रहा है सबको शेडोज़ कितने क्लियर हैं, मतलब रियल फील आएगा बहुत। जिसने भी बनाया है उसने आपके लिए आसानी कर दी, इस पर शेडो लगा दिए, ये एडजस्टमेंट उसने पूरी लगा के दी आपको। अगर मैं हटा दूँ बहुत प्लेन हो जाएगा, उसने क्या करा आपको शेडोज़ लगा के दिए हैं, ठीक है। देखो अगर ये हटा दें हम फाइल से तो दोनों कार्ड मर्ज हो गए, ऐसा ही है दोनों कार्ड मर्ज हुए हैं, लेकिन जिसने भी ये कार्ड बनाया है उसने क्या करा आपके लिए शेडो भी लगा दिए। तो आप अपना मॉकअप बना भी सकते हो खुद और किसी के मॉकअप पे अपना कार्ड लगा भी सकते हो, ये दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। गुड हो गया जी, अब चलते हैं, ये सारी फाइल्स मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, कार्ड्स की। अब सेम गोज फॉर एवरीथिंग, मैंने कार्ड का बताया, सेम चीज़ लोगों पर भी अप्लाई होती है, सेम चीज़ फ्लायर पर भी अप्लाई होती है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या देनी होती है, जेपेग इमेज, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। मेरे पास एक बॉक्स है, सबको दिख रहा है, हम यहाँ पे एक लोगो निकाल लेते हैं, जैसे फेड एक्स का लोगो, इसको छोटा कर लेते हैं। और मुझे सिर्फ क्या चाहिए, फेड एक्स का टेक्स्ट, तो मैं क्विक सेलेक्शन से जल्दी से इसका टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप क्विक से कर सकते हो, मैजिक से भी कर सकते हो, जो आपको ईजी लगे, देन कंट्रोल जे। तो मैंने सिर्फ क्या निकाल लिया इससे, अब कॉर्नर पे इसके एजिस पे क्या आ रहा है, वाइट स्ट्रोक। तो हमने सीखा है कि अगर हमें कॉर्नर से एक दो पिक्सल का स्ट्रोक कम करना है तो हम कैसे कर, इस इमेज में से सिर्फ एक दो पिक्सल मुझे अंदर करना है, इमेज को कट करना है दोबारा, कैसे करेंगे। अभी के लिए अच्छा ये है कि आप लोग मॉकअप की प्रैक्टिस करें, खुद से भी बनाएं, बाद में बना लें मसला नहीं है, लेकिन अभी बने बनाए भी उठा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मॉडिफाई कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल 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 सकीना अहमद,
कंट्रोल क्लिक करेंगे इस थंबनेल पे, कंट्रोल क्लिक, क्या आ गई मेरे पास, सिलेक्शन, कंट्रोल क्लिक से सिलेक्शन आ गई। सेलेक्ट में जाएंगे, मॉडिफाई में जाएंगे और कहाँ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब मुझे एक पिक्सल अंदर जाना है, दो पिक्सल, मेरे ख्याल से एक पिक्सल बहुत, मैं कहता हूँ ओके। तो मेरी जो पूरी सिलेक्शन है वो एक पिक्सल अंदर आ गई और तकरीबन जो वाइट वाला था वो तब चला गया। अगर अभी मैं डिलीट करूँगा तो क्या डिलीट होगा, अंदर वाली इमेज, मुझे क्या डिलीट करनी है, बाहर वाली चीज़। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट में जाके सेलेक्ट इनवर्स, क्या करूँगा, सेलेक्ट इनवर्स, देन करेंगे डिलीट। तो कंट्रोल जेड करता हूँ, पहले ये वाइट कलर के एजेस थे, अब मैं जैसे डिलीट करूँगा तो मेरे पास इस लोगो में कोई वाइट एज नहीं है। अच्छा सा हमने वाइट कलर रिमूव कर दिया, गुड हो गया जी, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट स्टेप, अब आ रहे हैं नेक्स्ट स्टेप पे। लोगो हमारे पास पीएनजी कट हो गया, पहले हमने क्या करा, लोगो की अच्छी सी पीएनजी बना ली। पीएनजी का मतलब क्या होता है, विदाउट बैकग्राउंड, ठीक है। इसका अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं, आपके सामने पीछे लेयर पर रखा हुआ है बॉक्स, तो आपको पीछे वाली चीज़ दिख रही है। नेक्स्ट चीज़ हम करेंगे इस इमेज पे कंट्रोल ए, क्या करा मैंने, कंट्रोल ए एंड देन कंट्रोल एक्स, क्या करा मैंने, कंट्रोल एक्स, मतलब इसको यहाँ से हमने कट कर दिया। आगे हम जाएंगे फिल्टर में, कहाँ जाएंगे, फिल्टर में, सबने स्टेप याद रखने, देन जाएंगे वैनिशिंग पॉइंट, लेकिन लेयर सेलेक्ट करनी है आपको अपनी बॉक्स वाली, फिल्टर वैनिशिंग पॉइंट। अगला काम आपको बनानी है सिलेक्शन, तो हम क्लिक 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 करते हैं और हमने कॉपी किया हुआ था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आके पेस्ट, मैंने क्या करा, पेस्ट, आपके सामने लोगो आ गया। स्टेप याद रखो, पहले हमने लोगो कट करा, कंट्रोल क्लिक करके या कंट्रोल ए करके लोगो कट कर लिया, देन मैंने क्या करा, अपनी बॉक्स वाली इमेज को सेलेक्ट किया, ठीक है। देन हम गए मॉडिफाई, कहाँ पे जाके, फिल्टर में जाके वैनिशिंग पॉइंट, फिल्टर में जाके कहाँ गए, वैनिशिंग पॉइंट, देन हमने क्या कर दिया, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। अब हम इस पर क्लिक करते हैं और जैसे ही मैं इसको इस लोगो के अंदर लेके आ रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है, जो मैंने शेप बनाया था उसके अंदर चला गया। अब करेंगे कंट्रोल टी और इसको छोटा कर लेते हैं, दोबारा अंदर ले आते हैं और सिंपल एंटर कर दिया मैंने, तो मेरा जो लोगो था अब इसने खुद से लगा दिया ऊपर की दूसरी साइड पे लगा के, ठीक है। कहाँ जाएंगे, फिल्टर वैनिशिंग पॉइंट, हमने एक सिलेक्शन तो बनाई हुई है, हम क्या करेंगे, नीचे एक और सिलेक्शन बनाएंगे, तो हम जाते हैं फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक एंड फोर्थ क्लिक। अगला काम कंट्रोल वी एंड ड्रैग करके कहाँ आ गया मैं, नीचे वाले शेप पे। अब इस शेप के अंदर मुझे क्या करना है, इसको छोटा करना है, तो कंट्रोल टी एंड शिफ्ट दबा के छोटा करेंगे, अंदर की तरफ मूव करेंगे, शिफ्ट दबा के छोटा करेंगे। अब लोगों की इमेज जो है बहुत बड़ी है, हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं जितना हम चाह रहे हैं, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको छोटा कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू माय बॉक्स, और आप इसको अपने हिसाब से स्केल भी कर सकते हो। तो अब मेरा इस साइड पे भी लोगो लग गया, ठीक है। अगर आपको थर्ड साइड पे भी लगाना है, दोबारा चले जाओ भाई, फिल्टर वैनिशिंग पॉइंट, ठीक है, यहाँ से गए, एक और नया शेप बनाया, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोबारा कट तो हमने किया हुआ लोगो, कंट्रोल वी और इसको ड्रैग करके कहाँ ले आएंगे, इस वाले बॉक्स में, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंट्रोल टी छोटा, अगेन कंट्रोल टी और छोटा। तब जो हमारे पास सेम लोगो था हमने तीन साइड्स पे लगा दिया। मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है, डब्बों पे या फिर डिज़ाइन को भी एक्सपेंड करने के लिए।
पैटर्न्स को लगाने के लिए, किसको मैंने कहा, पैटर्न्स को लगाने के लिए। तो अब आपने इसको एक्सप्लोर करना है अपने हैंड से कि वैनिशिंग पॉइंट और क्या क्या करता है, ठीक है। मैं एक आपको टच दे रहा हूँ कि भाई वैनिशिंग पॉइंट आपको एंगल बहुत अच्छा दे देता है, ठीक है। लोगों के अलावा कुछ भी लगाना है, सेम स्टेप है, सेम स्टेप। पैटर्न लगाना है, पैटर्न कट करेंगे, देन वो खुद उस हिसाब से उस एंगल पे पेस्ट कर देगा। वरना हमारे पास जो लोग जुगाड़ करते हैं वो ये करते हैं, बता रहा हूँ, लोग क्या करेंगे, कंट्रोल टी, देन क्या करेंगे, इसको यूँ घुमाएंगे, देन वही जो आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, डिस्टॉर्ट से या फिर उससे, इससे आपके पास एंगल अच्छा नहीं आएगा। कर तो आप इससे भी लोगे, सेम काम आप इससे भी कर लोगे, बहुत सारे टूल्स हैं, क्योंकि ये फोटोशॉप है, यहाँ पे हर काम पॉसिबल है किसी भी टूल से, लेकिन अच्छा सा चाहिए उसी एंगल पे, तो वैनिशिंग पॉइंट से करेंगे। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और कुछ देखते हैं, ठीक है। हमने पढ़े थे ब्लेंडिंग ऑप्शंस, क्या पढ़े थे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस। अभी पढ़ते हैं ब्लेंडिंग मोड्स, क्या पढ़ेंगे, ब्लेंडिंग मोड्स, ठीक है। मैं यहाँ से निकालता हूँ एक स्काई बैकग्राउंड, जैसे अच्छी इमेज निकालेंगे बड़ी, और इसको लेकर आते हैं फोटोशॉप में। क्या करा मैंने, एक स्काई का बैकग्राउंड निकाला, यहाँ पे लिखते हैं हम बर्ड्स इन स्काई, सबको दिख रहा है, या हम सिर्फ सिंपल बर्ड्स लिख रहे हैं, जैसे आपके पास है ये ईगल ऑलरेडी किसी कलर पे है, उसके पीछे कलर है, मैं कॉपी करता हूँ और इसी स्काई के ऊपर पेस्ट करता हूँ, तो आपको दिख रहा होगा इसके पीछे ऑलरेडी एक बैकग्राउंड है, क्या है, इसके पीछे बैकग्राउंड है और ये जो हमने पीछे रखा हुआ है। अब मैं चाह ये रहा हूँ कि जो मेरी बर्ड है ना वो हमारे स्काई के साथ क्या हो जाए, हमारे स्काई के साथ कंटिन्यू कर जाए, ब्लेंड हो जाए। ये वर्ड बहुत ज़्यादा होता है ब्लेंड का, कि मिल जाए, कैसा लगे ये कट होके इसी पे लगी हुई है, ठीक है, मुझे करना ये। तो आपके पास फोटोशॉप में ये ऑप्शंस हैं, इसे कहते हैं ब्लेंडिंग, ठीक है। अब आपके पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, आप सबको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमें चाहिए भाई ये बर्ड लगी हुई हो यहाँ पे, तो ये इस तरफ आ रही हो, तो मैं जाऊँगा नॉर्मल पे क्लिक करूँगा और अपने एरो कीज से, अप एंड डाउन एरो कीज से इसके मोड चेंज कर रहा हूँ। तो देखो जो मुझे डिज़ायर चाहिए, हम देखते हैं मिल रहा है नहीं मिल रहा, ये क्या कर रहा है, बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड कर रहा है, ठीक है। कितना सिमिलर कर दिया, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, जैसे कोई पर्सन है, मैन पिक्चर, जैसे 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 ये वाली इमेज ले आया मैं, और हम एक और लाते हैं बूके इफेक्ट, किसी को पता है, ठीक है। आपको इसमें से कोई भी अच्छा लग रहा है आप ले आओ, जैसे ये मैंने कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट किया, ये क्या है बेसिकली, एक बुके इफेक्ट है। हमेशा ये कहाँ पर होगा, लेयर के ऊपर, ठीक है। देन मैंने क्लिक करा
मैं इसके मोड्स चेंज कर रहा हूँ। समझ आ रहा है हो क्या रहा है? अब ये बैकग्राउंड में खुद ही ब्लेंड हो रहा है, ठीक है। अगर हमें और अच्छा करना है तो हम पर्सन को मास्क कर सकते हैं, ताकि जो ये इमेज है, जो मेरे पास बूके इफेक्ट है, वो कहाँ आए? सिर्फ बाहर आए, इसके इसके ऊपर ओवरलैप ना करें। तो अगर हम इसको मास्क कर देंगे, मैं ऐसे ही रफली करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और हम इसमें भी यह है कि ब्रश से थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर देते हैं। ब्रश पे जाऊंगा, साइज बड़ा करते हैं थोड़ा सा, और मैं इसको ब्लेंड कर देता हूँ। खैर, ये मेन पर्पज़ है। अगर आपको फ्लेयर इफेक्ट लगाना है, जैसे फ्लेयर होता है, बहुत सारी पिक्चर्स पे बहुत से यूज़ कर सकते हैं। बूके इफेक्ट बेसिकली ये आपने देखा है, हेडिंग्स पे होता है। तो अगर मैं कोई हेडिंग लिखता हूँ, जैसे ईद मिलाद उन नबी कैलीग्राफी, जैसे ये है, मैंने पेस्ट किया। अब हमने देखा था फ्लेयर इफेक्ट ये है, सबको दिख रहा है। इसमें से कोई भी हम उठाते हैं, जैसे ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट किया। अब मैं सिर्फ इसके ब्लेंडिंग मोड चेंज कर रहा हूँ, लेट्स सी क्या होता है। देखो पूरा, आप इसको पर्टिकुलर जगह पे शाइन करवा सकते हो, या एक्स वाई जी, आप और मोड्स भी चेक कर सकते हो। चाहिए अगर हम इसको अच्छा सा इरेजर से कट करें या मास्क करें तो बहुत अच्छा होगा। चाहिए अगर वाइट लेयर के अंदर सिर्फ करना चाहूँ मैं तो, ये देखो, तो ये ब्लेंडिंग है, ठीक है। बूके इफेक्ट का पर्पज़ ये होता है कि आजकल फोटोग्राफी में वो सनलाइट से बनता है जी। वो सारी चीज़ें आप करिएगा, शोल्डर पे ईगल रख लीजिएगा, फरमाइशी प्रोग्राम आता है, ठीक है। तो जितना अच्छा आप करना चाहो इसको कर सकते हो। सही है, ये एक वाला बुक इफेक्ट था, आपके पास सिंगल लाइन भी आ रहा है ये वाला, तो आपको जैसा करना है आप कर सकते हो। जैसे इसका डॉट है नबी का, तो हम यहाँ पर जाके रखते हैं, देन हम इसका बुक इफेक्ट चेंज करते हैं। ये देखो, हम इसको कंट्रोल यू से कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे ग्रीन चाहिए मुझे, ग्रीन कर लेता हूँ, देन इरेजर लेता हूँ और इसको सॉफ्टली इरेज कर लेता हूँ। तो मेरे इमेज में जो कि कभी लाइट थी नहीं, एक लाइट का इफेक्ट आ गया। डन है, मज़े का है ना। देन आप कॉपी करो, नीचे भी लगा दो, ये नीचे बहुत ज़्यादा है, डबल आ रहा है, नीचे से हटा देते हैं, इसमें भी डबल आ रहा है, नीचे से हटा देते हैं। तो आपका जो सिंगल सा टेक्स्ट था उसमें हमने क्या करा, ब्लेंडिंग मोड से चीज़ें चेंज कर दी। ये पता है सबसे ज़्यादा काम कहाँ आता है? सबसे ज़्यादा आपके टेक्स्ट को पुट करने में। जैसे जैसे ये पोस्टर है ड्रामे का, या कोई भी आप, मैंने डिज़ाइन करा है, ड्रामा नहीं लिखा। जैसे ये एक है, मैंने कॉपी करा, तो अच्छा सा निकाल लेते हैं कलरफुल, ताकि ब्लेंडिंग समझ आए अच्छे से। मैंने यहाँ पेस्ट किया। अगला काम मुझे यहाँ पे अपना कोई नाम लिखना है, एक्स वाई जी कुछ भी, ठीक है। जैसे मुझे लिखना है
कोई भी टेक्स्ट इफेक्ट में ला रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? विंटेज। हम इस पर क्लिक करते हैं, देन मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। अभी क्या कर रहा है देखो, कितने इफेक्ट बना रहा है खुद से, क्या कर रहा है, इसको चेंज कर रहा है, इसके साथ रख रहा है, कितना बेस्ट मैच कर दिया है। अगर मैं कंट्रोल एल करूँ और इसको यहाँ से लाइट कर दूँ और इरेजर से मूव कर दूं, तो हम अपना कोई भी टेक्स्ट किसी के साथ मर्ज कर सकते हैं, बताने का मकसद ये है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको मूवी पोस्टर, मैं ज़्यादा चीज़ें करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग कभी भी करो तो आपको चीज़ें याद रहें, क्लियर रहें। जैसे ये पोस्टर है, ठीक है, अब इसमें मुझे डालने क्रेडिट्स, तो यहाँ लिखते हैं मूवी क्रेडिट्स। पता है क्या होता है मूवी क्रेडिट्स? जो आखिर में आ रहा होता है, किसने क्या काम किया है, कास्ट कौन है, कौन कौन लोग थे इसमें इन्वॉल्व। जैसे ये वाली इमेज है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब इसमें आप देखो, इसमें वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, सबको दिख रहा है, वाइट बैकग्राउंड आ रहा है। हमें क्या करना है, क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए वाइट कलर से। टेक्स्ट किस कलर से चाहिए? वाइट कलर से। तो सबसे पहले तो इमेज में जाके इसको कर दो इन्वर्स या इन्वर्ट। क्या लिखा हुआ है? इन्वर्ट। इससे होगा कि ब्लैक वाला कलर वाइट हो जाएगा और वाइट वाला कलर ब्लैक। इसका शॉर्टकट कंट्रोल आई है, ठीक है। देन मैं ब्लेंडिंग मोड पे जाके इसके ब्लेंडिंग मोड चेंज कर रहा हूँ, तो देखो मेरा टेक्स्ट वाइट से जो मुझे चाहिए था आ गया। आप और चीज़ें भी अप्लाई कर सकते हो, ये देखो। और अगर हम इसको कंट्रोल आई करें देन चेंज करके देखें, सेम गोज फॉर ब्लैक कलर से आ गया। तो आप लोग ब्लैक एंड वाइट कलर को भी यूज़ करके देखना, जिससे आपको आइडिया होगा। मुझे टेक्स्ट चाहिए था किससे? वाइट कलर से। तो मैंने क्या करा था, कंट्रोल आई से इसको चेंज किया था। अगर आपको डार्क करना है तो आप कॉपी बना लो कंट्रोल जैसे, तो आपका टेक्स्ट आपको और प्रोमिनेंट दिख जाएगा, ठीक है। डन है, इतना समझ आया कि ब्लेंडिंग मोड क्यों इंपॉर्टेंट है? इससे बहुत सारे एक्सपोजर इफेक्ट बनते हैं ब्लेंडिंग मोड से। बहुत मज़े का टूल है, सब यूज़ करना। अक्सर बहुत सारी इमेजेस में हमें कुछ कट करना होता है तो हम कट नहीं करते, ब्लेंडिंग मोड से ही काम कर लेते हैं, वो हमारा काम कर देता है, ठीक है। अब आते हैं ज़रा हाउ टू मेक PDF, ठीक है। बहुत सारी फाइल्स ओपन हो, तो अब मेरे पास बहुत सारी फाइल्स ओपन है, दिख रहा है सबको? 1, 2, 3, 4, 5। मुझे इन सब की PDF बनानी है, क्या करना है? PDF बनानी है। फाइल में गया, ऑटोमेट में गया, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? PDF प्रेजेंटेशन। यहाँ फाइल्स ओपन जितनी भी हैं आपने टैब में ओपन करनी है, ठीक है। सारी फाइल्स फोटोशॉप में खुली हुई है। मैंने यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक किया, ऐड ओपन फाइल्स। क्या करा? ऐड ओपन फाइल्स। आप इसको सॉर्ट बाय नेम भी कर सकते हो, अगर आपको 1, 2, 3, 4 चाहिए। जैसे आपने इमेजेस हैं कंप्यूटर में सेव किए 1, 2, 3, 4, 5, तो आप इसे क्या बोल सकते हो? सॉर्ट बाय नेम, पहले वन आ जाए। और आप मैन्युअली इसको अरेंज भी कर सकते हो, कैसे आपकी PDF में इमेजेस शो होंगी, ठीक है। देन हम क्लिक करते हैं सेव। मैं कहता हूँ डेस्कटॉप पर कर दो भाई, और लास्ट क्लास के नाम से हमने एक PDF बना ली सेव। और यहाँ पे क्वालिटी आ रही है, हाई क्वालिटी चाहिए, जितना साइज़ बढ़ाएंगे उतनी हाई बनेगी फाइल।
तो हमारी लास्ट क्लास से एक PDF बन गई। अब इसके अंदर सारी आ गई, देखो जो जो साइज था इसका, सारी ओपन फाइल्स की PDF बन गई, डन है। एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमने लास्ट क्लास में फ्लायर बनाया था, सबको याद है? मैं वो फ्लायर ओपन कर रहा हूँ, और फोटोशॉप में इमेजेस बनाने के लिए क्या क्या ऑप्शन है, बहुत सारे हैं। आप कंट्रोल शिफ्ट टेस्ट करो, यहाँ से जेपेक सेलेक्ट कर लो, ठीक है, एक तरीका। फाइल में जाके एक्सपोर्ट कर लो, एक्सपोर्ट वाला जो ऑप्शन है ना, ये फाइल का साइज़ छोटा बनाता है। डिफरेंस लिख लो अपने पास कहीं पे, क्या कहा मैंने, जो सेव एज करके इमेज बनाते हैं उसका साइज़ अमूमन बड़ा बनता है, ठीक है। यहाँ पर आप जेपेक PNG सब बना सकते हो, तो मैंने जेपेक सेलेक्ट किया, ठीक है, और एक्सपोर्ट किया डेस्कटॉप पे। तो मेरे पास जो फाइल है वो दोबारा इसके ऊपर एक्सपोर्ट हो गई, ठीक है। इसका साइज़ बहुत छोटा बनता है एक्सपोर्ट से, 115 KB। व्हाट इफ अगर हम इसकी इमेज सेव करते हैं, सेव एस जेपेक, वो भी 100% रखी थी हमने, इसका साइज़ देखते हैं, 136 KB फ़र्क है ना, 115 KB 136 KB। लेकिन ज़्यादा बड़ी फाइल्स होंगी अच्छी क्वालिटी की तो और हाई रिज़ल्ट आपको देगा, ठीक है। ये साइज़ बहुत कम है इसका, कंट्रोल ऑल्ट सी करके देखता हूँ, 2x1 इंच की फाइल है, सही है। इलस्ट्रेटर में कैसे PDF बनेगी जवानों, ये देख लो, अच्छा मैच हो रहा है जवानों, जवान पाकिस्तान। अच्छा, अब सेकंड जो मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे वो है इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर में हम कैसे फाइल बना सकते हैं, कैसे फाइल बना सकते हैं PDF, ये बता रहा हूँ। अब देखो, क्लाइंट को ना अक्सर हमें फ़ाइल देनी होती है, सही है, और क्लाइंट कहता है PDF दे दें, क्या दे दें, PDF। और जब आप फील्ड में आओगे, फील्ड में, तो आपको क्लाइंट कहेगा कि आप मुझे एडिटेबल PDF दे दो, क्या दे दो, एडिटेबल PDF। तो इसका मतलब ये होता है, क्लाइंट कह रहा है कि आप जब PDF सेव करो तो उसकी फाइल्स क्या हों, मेरे पास शो हों, सब चीज़ें एडिट हो सकें। अगर हम फोटोशॉप से इमेज की PDF बनाते तो क्या आएगा, PDF में सिर्फ इमेज। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाके फाइल में जाऊँ, स्क्रिप्ट में जाऊँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेव डॉक्यूमेंट एज PDF, ठीक है, क्या करेंगे, सेव डॉक्यूमेंट एज PDF, सेव, डेस्कटॉप पे जाते हैं, हम कहते हैं ओके, ओके, ये आ गई PDF, सही है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि भाई मैं इसको बंद कर देता हूँ, अगर मैं इसको ड्रैग करके इलस्ट्रेटर में ओपन करूँ तो ये अगेन देखो आपके पास एडिटेबल फाइल है, इसे कहते हैं एडिटेबल फाइल, सही है, इसे कहते हैं एडिटेबल फाइल। यहाँ तक क्लियर है कि कैसे PDF बनाएंगे। इलस्ट्रेटर में भी एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास सेम एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन है, तो यहाँ से आप कोई भी चाहो तो एक्सपोर्ट कर सकते हो। बाकी सेम ऑप्शन आपके पास यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है, सबको दिख रही है, ये लोगो है जिसका नाम क्या है, उर्बन खटोला, सही है। इस लोगो के अंदर कलर कौन सा यूज़ हुआ है भाई, ब्लू। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसमें कौन सा फॉन्ट यूज़ हुआ है, ये फॉन्ट का नेम है, ये फॉन्ट के कलर्स को बताया हुआ है। अब लोगो का हमने क्या किया हुआ है, थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ है, और हमने कुछ इमेजेस लगाई हुई हैं। ये रहा आपका मॉकअप विजिटिंग कार्ड का, ठीक है बेटा, ये क्या है, विजिटिंग कार्ड का उरन खटोला, जी जी, ये किससे किया है मैंने, अगर आपको ये देखना है तो आपके पास ऑब्जेक्ट में जाके एनवेलप डिस्टॉर्ट में ये वाले ऑप्शन हैं, इनको देखना, सही है। अगला काम, मैंने इसको यहाँ पे एक्सप्लोर कर लिया, इसमें एक और वो है आर्टबोर्ड,
जिसके अंदर मैंने इसकी चीज़ों को मेंशन किया है, जो और इसकी चीज़ें हैं। हम कहते हैं भाई मुझे 2-2 सेकंड वाला आउटपुट दिखाओ। इसके अंदर मैंने अपने लोगों के साथ सब मार्क को यूज़ किया है, और यहाँ पर मैंने क्या करा है, एक एनवलप का मॉकअप, देन लेटर हेड का मॉकअप, सही है, लेटर हेड एनवलप और पूरी स्टेशनरी कि क्या काम है। देख रहे हो ये भी पूरा मॉकअप है, सब इमेजेस हैं। तो हम क्या करके आए, लिंक आपके पास फाइनल प्रोजेक्ट का अभी आएगा, जिसमें आपको सब चीज़ें जमा करवानी है, ठीक है। तो वो लिंक आपको अभी मिलेगा। तो आपने ये दो चीज़ें देखी, सही है, ये पिक्चर्स आपके सामने ये रही, ये स्टेशनरी की पिक्चर्स हैं, ये लोगो, ये सब मार्क। सब मार्क बेसिकली कहते हैं लोगों के आइकन को, ठीक है, किससे मिलके लोगो बना है। और ये पीडीएफ बनी हुई है, तो अगर आप किसी क्लाइंट को दिखाओगे तो क्लाइंट क्यों इम्प्रेस नहीं होगा, होगा क्योंकि आपने सारा काम थीम पे किया हुआ है। जो हमने डिज़ाइन में कलर यूज़ किए हैं वो कहाँ से उठाए, अपने लोगों से। कॉफ़ी ब्रांड की बेटा पैकेजिंग उसका मग हो सकता है, ठीक है, आप कॉफ़ी सर्व तो मग में करते हैं ना। तो ये क्या है, बेसिकली थीम पे काम करने को क्या कहते हैं, ब्रांडिंग। और ब्रांडिंग होती क्या है, ब्रांडिंग ये होती है कि आप अपने ब्रांड को कहीं भी यूज़ करते हैं तो आप कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे ना, कि मेरे लोगों का कलर ये है, ये है। इसीलिए मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ आज क्लास में, जो मैं आपको शेयर नहीं करूँगा क्योंकि क्लाइंट का काम है। मैंने हॉबनॉब का रमज़ान में लास्ट डिज़ाइन किया था, रमज़ान का मेन्यू, ठीक है। तो हॉबनॉब वालों की फ़ाइल मेरे पास है, मैं ये शेयर नहीं करूँगा लेकिन आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर इसने अपनी ब्रांडिंग में जो गाइडलाइंस है उसमें क्या क्या डाला हुआ है, इसने ब्रांड के बारे में बताया हुआ है, इसने अपने लोगों के बारे में बताया हुआ है, इलस्ट्रेशन स्टाइल के बारे में बताया हुआ है, गुड है। तो इसके अंदर बेसिकली आपको क्या दिख रहा है, ब्रांड ने अपने बारे में बताया हुआ है, उसका विज़न क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सही है, और अपनी वैल्यूज़ बता रहा है कि क्या क्या हमारी वैल्यूज़ है जो हमें ऐड करती हैं जिससे हम बने। अगेन नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, अब आ गया लोगो जो हमने भी पुट किया था ना। अब हॉबनॉब ये बता रहा है कि मेरा लोगो कैसे बना, उसको आपने कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो ये इसने बता दिया अपना लोगो, सही है, उसकी पोजीशन बता दी और स्पेस बता दी कि कितना स्पेस आसपास होना चाहिए कहीं भी यूज़ करें। कितना स्पेस कह रहा है, इतना, तो इतना यहाँ पर भी, इतना यहाँ पर भी, इतना यहाँ पर भी, अपने सिर्फ एक जो उसका ओ है उसके इतना स्पेस कह रहा है, ठीक है। देखो इसने ओ लगा के भी दिखाया कि इतना स्पेस आपने ब्रांड में जब भी कहीं यूज़ करना है डिज़ाइन में, आपने इतना स्पेस छोड़ना है कहीं भी अगर आप ये लोगो यूज़ करो। देन अभी आपको ऑप्शंस बता रहा है कि लोगो हम कहाँ कहाँ कैसे किस बैकग्राउंड पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ें बता रहा है, फॉन्ट का नेम बता रहा है, ठीक है, ये टाइपफेस प्लेलिस्ट है। देन कलर्स बता रहा है अपने, और अब क्या लिखा हुआ है, ब्रांड मार्क डोंट्स, कि ऐसे लोगो नहीं करना, जैसे खाली एच कहीं पे यूज़ नहीं करना, इसकी टैगलाइन को जगह से नहीं हिलाना, और टैगलाइन ऊपर नहीं आ सकती, इस तरह स्ट्रेच नहीं करना, ठीक है, इस कलर में नहीं करना, इस कलर में नहीं करना, इतना छोटा नहीं करना। तो ब्रांड क्या बता रहा है, डूज एंड डोंट्स, ठीक है, ये कहते हैं ब्रांडिंग गाइडलाइंस। ये आपको बहुत बाद में पता चलेगी जब आप फील्ड में आओगे, मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ कि बहुत इन्फॉर्मेटिव है ये पूरी पीडीएफ। इसमें आपको स्टेशनरी का बताया हुआ है, स्टेशनरी कैसी होगी, बिजनेस कार्ड का बताया हुआ है, ठीक है। देखो कितना बड़ा ब्रांड है, लेकिन कार्ड का डिज़ाइन देखो, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ।
और लेटर हेड आपके पास आ रहा है, एनवेलप आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, बड़ा वाला एनवेलप, दूसरा एक और एनवेलप। शॉप के बाहर लोगों कैसे लगेगा उसका डिज़ाइन आप देखते हो, अपने आप पर ये डिज़ाइन लगा हुआ होता है, ठीक है। अब आर्ट वर्क, जो एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं इसके अंदर वो क्या है, उसने सब चीज़ों को दोबारा बताया हुआ है, ठीक है। स्पेस की क्या वजह थी, वो इसलिए कि उसको ब्रीथिंग स्पेस चाहिए, लोगों कहीं भी लगेगा ना तो वहाँ उसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, आसपास आप कुछ और ना लगाएं। पैकेजिंग बता रहा है भाई, अब ये आ गई इसकी बॉक्स की पैकेजिंग, ठीक है, कौन सी चीज़ का कब कैसा दिखेगा। ये आ गया इसका ग्लास, उसका रैप जो पेपर होता है उसका डिज़ाइन, इसकी ब्रेड का डिज़ाइन, ठीक है, पूरी डिटेल्स यहाँ पे उसने लिखी हुई है, साइज़ एंड ऑल। साथ में आपको मॉकअप दिखा रहा है, ये क्या है बेसिकली, मॉकअप है चिप्स का, डोनेट बॉक्स, टी बॉक्स, सब के आपको लाइन वर्ड भी दिखा रहा है, मॉकअप भी दिखा रहा है। इसका बैग, बैग कैसा होगा, और भी बॉक्सेस हैं, पिज्ज़ा का बॉक्स कैसा होगा, बैग कैसा होगा पॉलीथन, और ब्राउनी बॉक्स, तो कितनी डिटेल है देख रहे हो। ये पैकेजिंग सारी इसने बताई हुई है, ये होल किया हुआ है बीच में, उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है वो बताया हुआ है। थोड़ा स्पीड में लेके जाऊंगा, ये सैंडविच का पैकेजिंग देखो कितनी प्यारी बनी हुई है सैंडविच की, सिर्फ कहाँ पे आ रहा है प्रिंट, ऊपर आ रहा है और ऊपर कट आउट है। तो खैर आई थिंक इतनी बहुत है, आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने इसकी दिखा दी, और उससे बाद में आते एक और बॉक्स दिखाता हूँ जो मैंने डिज़ाइन किया था, सबको दिख रहा है। बेसिकली पैकेजिंग जो आप लोगों को बनानी है वो ऐसे ही बनानी है, जैसे ये बॉक्स है इसके डिज़ाइन में क्या आ रहा है, फोल्ड्स आ रहे हैं, तो हम इसको मॉकअप पे कैसे लगाएंगे, ये रहा इसका मॉकअप। मुझे पूरा पूरा इसका मॉकअप मिला था, ये मैंने खुद कोई मेहनत नहीं की, मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास मॉकअप रखा हुआ भी है, देखो ये रहा, ये दिख रहा है सबको। अब इस पे हर चीज़ का यहाँ पे मेंशन है, जैसे मुझे फ्रंट साइड पे कुछ और लगाना है, यहाँ पर हमें चाहिए कोई और चीज़, जैसे मैंने ब्लैक कलर लगाया और कंट्रोल एस कर दिया तो मॉकअप में फ्रंट पे क्या आ जाएगा, ब्लैक कलर। अब आपको यहाँ पे कुछ और लगाना है आप वो लगा दो, यहाँ पे कुछ और लगाना है आप वो लगा दो, ठीक है, जैसे हमारा कार्ड था, ज़बरदस्ती डालना ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। मॉकअप इतना ईजी होता है, सिर्फ कंट्रोल एस करना होता है, देखो इधर आ गया, ऊपर आ गया कार्ड, तो हर साइड का अलग दिया हुआ है, इसके नीचे वाली साइड ये रही, यहाँ पे कुछ और डालना है आपको। अच्छा ये सेंटर से बन रहा है, तो हम इसकी सेटिंग से बोलते हैं भाई फ्रॉम सेंटर नहीं चाहिए मुझे, तो डब्बा आप सही बनेगा, अगर किसी के पास इशू था तो देख लो। यहाँ कहते हैं भाई कलर आप रेड कर दो, कंट्रोल एस करते हैं, अब जो साइड था उस पर कौन सा कलर आ गया, रेड। फ़ायदा क्या है, इतनी प्यारी रिफ्लेक्शन आ रही है, शेडोज आ रहे हैं, ये हम अगर बनाएंगे तो हमें टाइम लगेगा, ठीक है। क्लाइंट ने इतनी मेहनत से ये चीज़ आपके लिए डाली हुई है, हाईलाइट्स, ये फाइल से सीखने को बहुत मिलता है, अगर हम डाउनलोड करते ना मॉकअप्स तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है इन फाइल से। खैर बॉक्स के मेरे पास बहुत सारे मॉकअप है, देखो ये भी मॉकअप है, मैंने नई मेहनत की, कुछ नहीं बनाया, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप किया, देखो डिफरेंट बॉक्सेस के डिज़ाइन दिखा रहा हूँ, ठीक है। और कलर थीम देख रहे हो कैसे यूज़ की हुई है, ये डार्क कलर पे कैसा लगेगा। और फॉर मॉकअप मैंने सब जेपेक अलग अलग बनाई हुई हैं हर साइट की, ये भी ज़रूरी है हर साइट के अलग जेपेक बनाना, तभी तो वहाँ पे फ्रंट पे पेस्ट करेंगे ना। और पैकेजिंग आपको दिखाता हूँ, एक पैकेजिंग मैंने बनाई थी, सबको दिख रहा है ग्रेडियंट कितना सा यूज़ हुआ है, देखो उसमें ग्रेडियंट ही ग्रेडियंट है, लेकिन बड़ा सोबर ग्रेडियंट है। यह बेसिकली डब्बा कह लो, पैकेजिंग है, लेकिन इस डाई का मतलब यह है, जिस तरह हम सेल बाय करते हैं तो ऊपर प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक के ऊपर इम्बोज हुआ होता है, अंदर सेल होता है, तो हम क्या करते हैं उसको कट करके, जैसे रैम वगैरह मिलती है या और जो आपके पास चीज़ें होती हैं, उस तरह की पैकेजिंग है कार्ड वाली,
तो फ्रंट बैक साइड आपको दिख रही है। तो दिखाने का मकसद ये है लोगों की थीम पे काम करना और कलर्स कम से कम, इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट को अलग से प्रोमिनेंट करना और हमेशा टेक्स्ट का साइज बहुत सोच समझ के यूज़ करना, सही है। देन देखो ये क्लाइंट के लिए मैंने पूरा फॉन्ट्स वगैरह सब बनाया हुआ है। अच्छा ये एक और प्रोजेक्ट था, इसमें क्या है बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। ये ईमेल सिग्नेचर है, किसी को पता हो तो ये लेटर हेड है। अच्छा ब्रांड का लोगो है ये फोरा, क्या है फोरा। तो अगर आप लोगों में से कोई समझ रहा है कि ये लोगो सर क्या बनाया है, लोगो बना हुआ है, बिल्कुल लोगो है। और इसमें ओ के अंदर हमने ऑप्शन दिया है, ठीक है, ये विजिटिंग कार्ड का डिज़ाइन है। सर ये तो डिज़ाइन हुआ भाई नहीं, यही कह रहे होंगे ना आप लोग, ये बेसिकली डिज़ाइन है और यहाँ की मार्केट का भी नहीं है, ये फॉर आप फ्रीलांस क्लाइंट है बाहर के लिए। अब मैं दिखाता हूँ, ये आपको बहुत बेसिक लग रहा है ना, है ना। अब देखें ये मॉकअप पे कैसा लगेगा, वाइट का अलग ही मज़ा है। वाइट बैकग्राउंड पे काम करने का अगर किसी को आ गया सलीका या तरीका, कुछ भी कह लें, तो बहुत अच्छा आपके लिए काम हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं ज़रा मॉकअप्स पे। क्लाइंट को जब हमने ये काम दिखाया था तो हमने कैसे दिखाया था, हमने क्लाइंट को लोगो दिखाया था भाई, ये था ईमेल सिग्नेचर का मॉकअप कि सर अगर आप किसी को ईमेल करेंगे तो आपकी कैसे दिखेगी, ठीक है। देन आ गया विजिटिंग कार्ड, तो अब आपका वही कार्ड अब कैसा लग रहा है आपको। ये मॉकअप का फ़ायदा, ये लेटर हेड का मॉकअप है। ये और भी ऑप्शंस दिए थे मैंने क्लाइंट को, आपके सामने आ रहे हैं। मैंने क्लाइंट को और भी लोगों के ऑप्शन दिए थे, आई थिंक यहाँ पे होगा भी। देख लो किस तरह फाइल बनाते हैं, पहले एक कार्डबोर्ड पे सिर्फ सिंबल रखा, देन पूरा लोगो रखा, देन उसी लोगो को किसी और बैकग्राउंड पर रख के दिखाया किस तरह, अगर आप ब्लैक बैकग्राउंड पर रखेंगे तो कैसा दिखेगा, और सारी चीज़ों को हम अलग अलग बता रहे हैं। मैंने देखो लोगो के ऑप्शन जब दिखाएं क्लाइंट को तो भी कैसे दिखाएं, इस तरह एक PDF बना के। उम्मीद है आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी इससे, इस वाले से बेसिकली। अच्छा आगे एक और लोगो है, खैर ये तो मैंने नॉर्मल क्लाइंट के लिए ही बनाया हुआ है। पैकेजिंग 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 पैकेजिंग, बहुत बेसिक सी पैकेजिंग है। ओ ओ ओ ओ चलो आप लोगों को दिखा देते हैं, दिख रही है सबको, एक क्लोथिंग की है बेबी के, ठीक है, कॉट शीट्स हैं इसके, आपके पास साइड्स आपको दिख रहे होंगे। ये लोगो है, क्लाइंट ने मुझे प्रोवाइड किया था, ये भी ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट है बाय द वे, यहाँ का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, सारी चीज़ों को डिज़ाइन कैसे किया है, फोल्ड्स बताएं। ये डाई क्लाइंट देता है तो उसकी टेंशन नहीं लेना, डाई क्लाइंट देता है, चाहिए। आज की क्लास मुझे पता है बहुत लोगों के लिए ओवरवेलमिंग होगी कि सर ये भी होता है, जी जी। और आप लोगों को जो पैकेजिंग दी है, मुझे ऐसा कुछ काम चाहिए, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए पैकेजिंग, बहुत सिंपल सी हो लेकिन अच्छी सी हो, ठीक है। एक चीज़ आपको पता लग गई होगी आज भी कि कलर थीम पे काम करना कितना इम्पॉर्टेंट है। लोगों में कौन से कलर थे, रेड एंड ब्लू ब्लैक, पूरी डिज़ाइनिंग में क्या कलर है, रेड ब्लू एंड ब्लैक, नो अदर कलर, ठीक है। अब आगे चलते हैं ज़रा, और क्या है मेरे पास। अच्छा अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको अपना अगर पोर्टफोलियो बनाना है या क्लाइंट को कुछ दिखाना है तो आप काम का तरीका क्या रखोगे। आप बेसिकली अपने काम को कहीं लगा हुआ दिखाओगे, जैसे ये मेरे पास लोगो है तो मैंने अपने लोगो के ऑप्शन कैसे दूंगा, इस तरह जैसे मैंने आपको भी फोरा का लोगो भी दिखाया था, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, अगले के लिए हर चीज़ आसान कर रहे हो,
भाई ये आपका ऐप पे कैसा लगेगा, बॉटल पे कैसा लगेगा, ये क्लाइंट की नीश के हिसाब से। ये स्पोर्ट्स का ब्रांड है तो हम कहाँ कहाँ ला के दिखा रहे हैं, हर चीज़ पे, कार्ट पे, टी शर्ट्स पे, मर्चेंडाइज पे दिख रहा है। और पैटर्न भी वही यूज़ किया हुआ है, देखो मग, कैप। आपको कुछ ऑप्शंस दिखाता हूँ, जैसे ये एक और ब्रांड है इवोका, बहुत अच्छा सेरिफ फॉन्ट यूज हुआ हुआ है, अगेन लोगों का मोकअप। देन आपके पास यहाँ पे और मोकअप आ गया, कितना सोबर है, कितना प्यारा डिज़ाइन है। लेटर हेड चेक करो, विजिटिंग कार्ड, कितना लग्जरी फील आ रहा देख के। ये देखो पूरी स्टेशनरी साथ लगी हुई है। ठीक है, और क्या है मेरे पास, एक और ब्रांड है के ओ, ठीक है, कॉर्नर्ड गार्डन। ठीक है, अब इसके अंदर इसने लोगों को कैसे यूज़ किया है ये पूरा बता रहा है, कलर के ऑप्शंस दिखा रहा है, मौका बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। अच्छा, ये एक और चीज़ आ गई, किसी को पता है इसे क्या कहते हैं, कार रैप, कार के रैप का डिज़ाइन, ये भी होता है। कार के रैप को फ्रीलांस पे बहुत ज़्यादा काम होता है, तो अगर आप डिज़ाइनिंग पे अगर इंशाल्लाह परसों मुझे उम्मीद है सब करेंगे, तो आप कार के रैप की नीच भी देख सकते हो। कार के रैप मैंने डिज़ाइन किए हैं, फ्रीलांस पे बहुत अच्छा काम होता है। ये इसके विजिटिंग कार्ड को बहुत अच्छा मोकअप से बताया हुआ है, किसी मशीनरी पे लग रहा है, तो क्योंकि ये बेसिकली गार्डनिंग का लोगो है तो आपको क्या दिख रहा है, गार्डन की जो भी चीज़ें हैं वो दिखा रहा है। पेन पे भी लगाया हुआ है यहाँ तक के, ठीक है। और ये भी बड़ा ज़बरदस्त थीम है, ठीक है, इसमें इसने पूरा डिफाइन किया हुआ है अबाउट, सही है। तो अगर आपने लोगो बनाया और अगर अबाउट हो तो क्या बात है, वही डिज़ाइन है जो लोगो का आपका शेप है, लेकिन ब्लेंड यूज़ किया हुआ है। ये तो आप भी कर लेंगे ब्लेंड, एक बनाना है और एक बड़ा बनाना है, बीच के खुद ही ऐड कर देगा। लेकिन कलर्स देखो, ये इसने ग्रिड बताई हुई लोगो कैसा बनाया है, ये इसने करके पाथ फाइंडर यूज़ किया होगा, इसको यूँ बताया ग्रिड के लिए, ये इसने कलर्स बताए हैं, देन इसकी पूरी सारी चीज़ें इसने बताई हैं, देख रहे हो स्टेशनरी। अब आप लोग देखो, मैंने इतनी चीज़ें दिखाई हैं, कितने कलर्स आपको दिखे हैं, बैकग्राउंड में आपको क्या ग्रेडियंट दिखा है कहीं पे, या आपको कोई तीन चार कलर यूज़ हुआ या कोई डिज़ाइन या शेप, कम से कम डिज़ाइनिंग, लेकिन कम से कम और कलर थीम पे काम करना। जो मेरा आज का, अगर आप लोगों ने ये चीज़ समझ ली तो मेरा आज का पढ़ाना बहुत वसूल हो जाएगा, कि भाई आप लोगों ने काम हमेशा अपने लोगों के कलर के अकॉर्डिंग करना है। ये कर लिया तो आपकी ब्रांडिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। इसे कहते हैं आइडेंटिटी, लोगो आइडेंटिटी, ठीक है। लोग स्टेशनरी की डिज़ाइनिंग है ना, ये पूरी जो विजिटिंग कार्ड, आईडी कार्ड, एनवलप, इसके मिनिमम 25,000 रुपये चार्ज करते हैं अगर कॉर्पोरेट काम करने वाला है, चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने काम कर करके इंशाल्लाह सीखनी है, और हमेशा थीम पे काम करना है, सही है। अब सोचो डिज़ाइन में ये अगर मैं क्लिप इन मास्क करूँगा इस शेप में कितना अच्छा लगेगा। पैटर्न भी बना के दिखाया है इसने, बुक के अंदर का डिज़ाइन भी दिखाया है। ये एक और ब्रांड गाइडलाइंस है, इसमें भी इसने ये बताया हुआ है कि लोगों को कैसे यूज़ करना है और कैसे यूज़ नहीं करना, इसने बताया हुआ होगा, इसने बताया हुआ होगा, ठीक है। और होता है क्लाइंट क्या बता रहा है इसके अंदर, हमारा लोगो क्या करता है, कंपनी क्या करती है, हायरार्की क्या है, कलर्स क्या है, ठीक है। एक आखिरी मेरे पास एक और है,
इसका नाम है भाई वुल्फ का लोगो है, ठीक है, उसने इससे मिला के बनाया हुआ है और अपने W को उस पर डाला हुआ है वुल्फ के फेस में। कलर देखो कितना अच्छा इम्प्रेशन जाएगा क्लाइंट को अगर इस तरह मॉकअप पे दिखाएंगे तो। वुल्फ प्लेस, ये उसने मॉकअप बना के दिखाया इधर भी अगेन। तो आज की क्लास में मॉकअप इसलिए बताया था कि ताकि आप अपने काम को फाइनल टच बहुत अच्छा दो, ठीक है। आपने डिज़ाइन तो 2D किया है, बहुत प्लेन किया है। अगेन इससे पैटर्न बना के दिखाया है। ये आ गया आपके पास मास्किंग, वही पैटर्न है बैक के पीछे लगाया है। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम डिज़ाइनिंग में क्या होता है पता है? सिंपल डिज़ाइनिंग करना, जैसे अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये मुझे पता है आपको यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, सही है। लेकिन आपको अगर अभी से ये चीज़ क्लियर हो गई ना कि मुझे काम करते हुए क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें मुझे एक्सप्लोर करनी है, तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम करोगे, सही है। अब हमें तो ये सारी चीज़ें नहीं बनानी, हमें क्या बनाना है, सिर्फ 10 चीज़ है, सही है। और अभी अली भाई ने एक और चीज़ बता दी है जो कि आपके पास क्या है, XD के अंदर आप कोई काम करके दिखाएं ताकि हमें अंदाज़ा तो हो कि आपने XD को यूज़ करा है, सही है। तो XD को भी यूज़ करके आप लोगों ने हमें दिखाना है। अब आप जब काम करोगे इंशाल्लाह क्लाइंट का बहुत सारा, तो आप जाओगे अपना काम अपलोड करने के लिए बिहेंस पे, ठीक है। बिहेंस बेसिकली क्या है, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है, सही है। यहाँ पे अगर आप कोई भी देखो, ये डिज़ाइनर है भाई, इनके मैं काम में आ गया। अब आपको ऊपर क्या दिख रहा है, एक बैनर है, देन इनके प्रोजेक्ट्स कितने हैं, क्या व्यूज़ हैं, क्या है सब। तुमने क्या करा हुआ, अपने काम को अपलोड किया है यहाँ पे और काम दिखाया है, सही है। तो बेसिकली बिहेंस पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, बहुत लोग पोर्टफोलियोज़ बनाते हैं इस पे। तो जिस तरह और लोगों का पोर्टफोलियो वर्ड की फाइल में बनता है CV के फॉर्म में, तो हमारी CV बिहेंस है। आप जब फील्ड में 6 महीने काम करोगे तो आपको क्लाइंट कहेगा मुझे अपना बिहेंस का लिंक भेज दो या पोर्टफोलियो भेज दो, तो आप क्या भेजोगे, सिंपल अपना बिहेंस का लिंक भेजोगे, क्लियर है। अच्छा, बदतमीजी कमेंट्स में कौन कर रहा है ये, XD का लिंक सेंड कर, सही है भाई। जैन गलती से लिख दिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर मैं आपको अभी ब्लॉक कर दूंगा। जी, अपना सबको बिहेंस का लिंक बनाना है, ठीक है। आप पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स के भी सर्च कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मैंने ऐसे ही रैंडम नेम लिखा है, ठीक है, रैंडम नेम लिखा है, तो आपके सामने कुछ काम आ गया अली बैग का, कराची का ये ने काम अपलोड किया हुआ है अपना। लेकिन एक गलती नहीं करनी है कि अपना बहुत बेसिक काम बिहेंस पे नहीं डालना है, ठीक है। अगर आपकी बात करूँ मैं, अगर आपने क्लास में कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो आप वो बिहेंस पे नहीं डालोगे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं ज़रा, हमारा टाइम तकरीबन ख़त्म होने वाला है। फाइनल आपके वो होते ना आखिरी लम्हात में क्या बातें करनी चाहिए, तो मैं वही बातें कर रहा हूँ अभी कि भाई आप लोगों ने बेसिक कोर्स करा है, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बाकियों से बहुत अच्छा पढ़ा है। इसकी गारंटी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि भाई मैं ऑल ओवर कराची सारे इंस्टीट्यूट्स को ट्राई कर चुका हूँ, मतलब पढ़ा चुका हूँ, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि वहाँ पे टूल्स बता के कोई भी बना के नहीं दिखाता आपको। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ एक्सप्लेन की गई है, जो इंपॉर्टेंट टूल्स थे वो बताए गए हैं, बाकी लर्निंग मैं भी अब तक कर रहा हूँ और आप लोगों ने भी करते रहना है, ठीक है।
यूट्यूब देखो, यूडेमी देखो, स्किल शेयर देखो, एक नया प्लेटफॉर्म है कोर्सेरा वो देखो। कोर्सेरा पे आपको बाहर की स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं, मतलब सर्टिफिकेशंस के पैसे होते हैं लेकिन कोर्सेज फ्री होते हैं, ठीक है। और एक और वेबसाइट है डोमेस्टिका, वहाँ पे बहुत कम पैसों में आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, मुझे उम्मीद है आपका कोर्स बहुत अच्छा गया होगा, आप लोगों ने सारे सॉफ्टवेयर्स के बेसिक्स और अच्छे अच्छे बेसिक्स पढ़े हैं। और मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे दुआओं में बहुत याद रखेंगे, क्योंकि इन दी एंड इंसान को दुआ की बहुत ज़रूरत है, और तो इंसान दुआ ही देता है सब किसी को। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह फाइनल प्रोजेक्ट के हवाले से आपको जो चीज़ें बनानी हैं अच्छे से बनाएं। अली भाई लिंक शेयर करेंगे, वहाँ अपलोड करना होगा, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ एक चीज़ ऐड करवाई है, वो है एप्लीकेशन का डिज़ाइन, ठीक है। और कोई चीज़ बात बोलनी है किसी ने तो कह दें, फिर मैं इंशाल्लाह ये कि इजाज़त लूँगा। अली भाई आके आप लोगों को सारी चीज़ें बताएंगे बात की। बहुत बहुत बड़ी फील्ड है बेटा, कोशिश करना किसी एक नीश में जाओ, किसी एक चीज़ को अच्छा करो जिसमें आप अच्छे हो। जैसे आपने स्टेशनरी बनाई, हो सकता है आपको स्टेशनरी अच्छी बनाना आ गई हो, तो आप स्टेशनरी डिज़ाइन करो। और अभी के लिए फ्रीलांस इज़ नॉट अ बैक, मतलब अच्छा ऑप्शन नहीं है फ्रीलांस जाना। पहले कुछ काम करो, इंटर्नशिप करो, सही है, और जॉब्स ज़रूरी हैं, ठीक है। फिर आप जब बात करो फ्यूचर की, तो भाई डिज़ाइनिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और मैं आपको बताऊं तो आजकल जो नया ट्रेंड है वो है पैसिव इनकम का, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बोल रहा हूँ। तो नया जो ट्रेंड है वो है पैसिव इनकम, उसमें ये होता है कि आप अपना काम सेल आउट भी कर सकते हो। जैसे फ्री पिक पे हम गए थे, लोग वहाँ पे सेल कर रहे हैं, आप जाओगे भाई अपना काम अच्छा कर लोगे तो आप अपना काम बेच भी सकते हो, सो रहे होगे तो आपको पैसे मिलेंगे, लिटरली ऐसा है, ठीक है। बहुत लोग करते हैं, कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह वेरी सून मुलाकात होगी किसी नए कोर्स में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अली भाई आ जाओ। ओके क्लास, सो आई होप दैट यू पीपल हैड अ वेरी गुड टाइम इन लर्निंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग। और देखें, हमारी हमेशा से ख्वाहिश और कोशिश यही रही है कि हम आपको बेहतर अंदाज में इस तरह से सिखाएं, ताकि अल्टीमेटली जो है आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म और एक अच्छी जर्नी और एक अच्छा पाथ जनरेट हो सके। सो आई होप, आई विश दैट यू पीपल हैड अ ग्रेट टाइम लर्निंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग। इंशाल्लाह देयर आर सो मेनी थिंग्स कमिंग अप इन द फ्यूचर। आप तो अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काम करोगे, दिस इज समथिंग विच इज़ डन। अभी आपको इस पे अच्छा खासा काम करना है एटलीस्ट नेक्स्ट 9 to 10 months, उसके बाद यू नीड टू मूव ऑन टू सम न्यू लर्निंग। आई होप दिस इज समथिंग विच इज क्लियर टू यू पीपल। आई होप दैट यू पीपल हैड अ वेरी गुड टाइम लर्निंग द ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। देयर इज वन लास्ट क्लास लेफ्ट विच इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन नेक्स्ट सैटरडे। यू आर सपोज टू सबमिट योर असाइनमेंट बाय थर्सडे नाइट। अपना, अपने रिश्तेदारों, अपने गिर्दोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।